हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल नीड लार्वल्स। बच्चों, आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करने वाला हूँ डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला डिसऑर्डर बच्चों हमारे पास प्रेजेंट होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हाई ब्लड प्रेशर। इसी को हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी बोला जाता है। अब हमारे पास जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है बेटा, आप लोगों को पता होगा वो कितना होता है। इट इज अबाउट 120/80 mm of Hg, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो ए 120 जो होता है वो होता है सिस्टोलिक हाई ब्लड प्रेशर, और जो 80 होता है वो होता है डायस्टोलिक, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। अब देखो, अगर हमारा ब्लड प्रेशर इससे ज्यादा हो जाता है तो उसको बोलेंगे हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। तो देखिए, हाई ब्लड प्रेशर इज द अकरेंस ऑफ परसिस्टेंट, मतलब लगातार क्या होता है, सिस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर ऑफ मोर देन 140। जो सिस्टोलिक है 120 की जगह पर क्या हो जाए, 140 हो जाए। एंड डायस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर ऑफ मोर देन 90 mm of Hg, और जो डायस्टोलिक है वो 80 की जगह कितना हो जाए, 90। पर ये कैसा होना चाहिए, परसिस्टेंट, लगातार होना चाहिए। एक बार चेक किया, अगर ऐसा है तो वो हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। लगातार आप चेक कर रहे हो, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, और यही आ रहा है, तो इसको हाई ब्लड प्रेशर बोला जाता है। सो 140/90 mm of Hg या इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये बेसिक है हमारे पास। सो एक्सेसिव हाई ब्लड प्रेशर सेज 220/120 mm of Hg। अब मान लो इतना हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, सो इज डेंजरस फॉर अवर वाइटल ऑर्गन्स लाइक आईज, किडनीज एंड ब्रेन। इन सब के लिए डेंजरस होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही हाई ब्लड प्रेशर होगा, इन वाइटल ऑर्गन्स के अंदर हो सकता है ब्लड वेसल्स जो इस ब्लड को लेकर जा रहे हैं वो फट जाए, वो रेप्चर कर जाए, हाई प्रेशर को ना झेल पाए और वो बस्ट कर जाए। बिकॉज इट मे कॉज हेमरेजेस, मीन्स ब्लड वेसल का रेप्चर होना इन डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, कॉजिंग ब्लाइंडनेस ड्यू टू ऑप्टिक आर्टरी। अब अगर आंख के अंदर ये रेप्चरिंग होती है तो क्या कॉज करेगी, ब्लाइंडनेस कॉज करेगी। नेफ्राइटिस, मतलब अगर किडनी के अंदर रीनल आर्टरी ब्रेक डाउन होती है, रप्चर होती है, तो नेफ्राइटिस होने वाला है। ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज, अगर सेरिब्रल आर्टरी जो ब्रेन के अंदर जा रही है वो रप्चर होती है, तो ब्रेन स्ट्रोक होने वाला है। तो ये पहला केस हुआ हमारे पास हाइपरटेंशन, जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। सेकेंड केस आता है बच्चों हमारे पास हाइपोटेंशन। ये क्या होगा, लो ब्लड प्रेशर, जिसको लो बीपी भी बोला जाता है। अब ये क्या होगा, लो बीपी इज द अकरेंस ऑफ परसिस्टेंट, वही लगातार, सिस्टोलिक आर्टेरियल प्रेशर ऑफ लेस देन 110 mm of Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ लेस देन 70 mm of Hg। अब 120/80 से ये घटकर कितना हो जाए बच्चों हमारे पास, 110/110/70 mm of mercury, और ये लगातार अगर आपको मिलता है बार बार चेक करने पर, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम क्या, हाइपोटेंशन। इट कैन कोज फेंटिंग और डिजीनेस, आपको थोड़ा सा चक्कर आने लगेगा, बेहोश होने की कंडीशन आ जाएगी। बिकॉज ब्रेन डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन। अब आपका ब्लड प्रेशर अगर लो है तो ब्रेन के पास ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, अगर ब्लड सप्लाई कम है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो ब्रेन के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, जिसके कारण आपको थोड़ा बहुत क्या होगा, चक्कर आने लगेंगे और बेहोशी की हालत हो सकती है। तो ये दूसरी कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। अब बेटा, थर्ड हमारे पास कंडीशन आती है डिसऑर्डर, जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। सो इट इज अ सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन। अगर आपके चेस्ट में पेन होता है, उस कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस बोली जाती है। अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स, लेकिन कब, जब हार्ट के पास ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं है। अगर हार्ट मसल्स के पास ऑक्सीजन अच्छे से नहीं जा रही है तो चेस्ट में पेन होगा, उस कंडीशन को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। द टर्म एंजाइना पेक्टोरिस मीन्स चेस्ट पेन, इस टर्म का मतलब ही चेस्ट पेन होता है। इट कैन अकर बोथ इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, ये किसी भी एज के मैन और वुमेन में हो सकती है, बट इज मोर कॉमन अमंग द मिडल एज और एल्डरली पीपल। जो मिडल एज के लोग होते हैं और थोड़े से एल्डर होते हैं, उनके ये कंडीशन ज्यादा होती है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ये किसके कारण होता है भाई, ऐसी कंडीशन जो ब्लड फ्लो को अफेक्ट कर रही है। मीन्स अगर हमारे हार्ट के पास ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो चेस्ट में पेन होगा, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस बोला जाता है। आई थिंक आप लोगों को एंजाइना पेक्टोरिस क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास डिसऑर्डर आता है बच्चा हार्ट
फेलियर। अब हार्ट फेलियर का होगा, इट इज द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड ऑफ बॉडी। बेटा हार्ट जो है ब्लड को पंप तो कर रहा है लेकिन इतना नहीं कर रहा कि बॉडी की सारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट या फिर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट या ब्लड की रिक्वायरमेंट उसको पूरा किया जा सके, उसको हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट पंप तो कर रहा है लेकिन लेस पंप कर रहा है, सो इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। इसको कई बार कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोला जाता है, क्यों? क्योंकि कंजेशन ऑफ लंग्स होता है जिसके कारण जो इस डिजीज का एक मेन सिम्टम है। अब कंजेशन ऑफ लंग क्या होता है बेटा, लंग्स के अंदर जो एल्वियोला है अगर उन एल्वियोला के अंदर ब्लड फिलअप हो जाता है तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट फेलियर। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन आती है बेटा हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक अकर्स व्हेन द हार्ट मसल्स आर सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अगर बेटा हमारे पास हार्ट की मसल्स के पास प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है तो हार्ट की मसल्स डैमेज्ड हो जाएंगी, उनकी डेथ हो सकती है, उस कंडीशन को बोलते हैं हार्ट अटैक। सो सिंपल सी बात है, हार्ट अटैक के अंदर हार्ट की मसल्स डैमेज होती है या उनकी डेथ हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनके पास ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है, ब्लड सप्लाई नहीं है तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं होगी, इस कंडीशन को हार्ट अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट मींस कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, दैट इज हार्ट स्टॉप बीटिंग। अगर हमारा हार्ट बिल्कुल एक्टिविटी करना बंद कर दे, बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है कार्डियक अरेस्ट, व्हेन हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा कंडीशन आती है कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर कैड क्या होगा, देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर्ड टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैड को ही क्या बोला जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। इस एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर होता क्या है, ये उन वेसल्स को अफेक्ट करता है जो ब्लड सप्लाई करते हैं हार्ट के पास। इट इज कॉज्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रोल एंड फाइब्रस टिश्यू इन द आर्टरीज सप्लाइंग द हार्ट मस्कुलेचर। वो आर्टरीज जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है उनके अंदर डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रोल एंड फाइब्रस टिश्यू, उस कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। दिस डिपोजिशन मेक ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरो। जो ल्यूमेन है, जो रास्ता है ब्लड के फ्लो करने का, वो नैरो हो जाता है किसके अंदर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैड या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर। अब देखो बेटा हमारे पास दो टर्म होती है, वन इज एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इनके अंदर क्या डिफरेंस है इसको हम देखते हैं। सो एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ लिपिड कोलेस्ट्रोल ऑन दी वॉल। अगर हमारे पास सपोज करो ये ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल की अंदर दीवार के ऊपर डिपोजिशन होता है किसका, कोलेस्ट्रोल का, लिपिड का, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस। सच डिपोजिशन आर कॉल्ड एज प्लाग। तो इनको क्या बोला जाता है, इन डिपोजिशन को प्लाग बोला जाता है। दूसरा देखो हमारे पास क्या है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज ड्यू टू थिकनिंग अलोंग विद डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स विद कोलेस्ट्रोल। अब यहां पर बेटा हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स, इस ब्लड वेसल के अंदर कैल्शियम डिपोजिट हो जाता है, क्या, कैल्शियम अलोंग विद द कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल के साथ साथ कैल्शियम। जैसे ही कैल्शियम डिपोजिट होगा यहाँ पे, सपोज करो ये हमारे पास कैल्शियम भी डिपोजिट हो गया है, तो यहाँ पर कैल्शियम के डिपोजिट होने के कारण ये आर्टरी हार्ड हो जाएगी। सो नो प्लाग फॉर्मेशन अकर, यहां पर प्लाग का फॉर्मेशन तो नहीं होता लेकिन हार्डनिंग ऑफ आर्टरी, आर्टरी हार्ड हो जाती है, आर्टरी बिकम्स हार्ड एंड लूजेस इट्स कैपेसिटी ऑफ डिस्टेंशन एंड मे रप्चर। अब आर्टरी जो हमारे पास है उसके पास डिस्टेंड होने की, फैलने की एबिलिटी चली जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं हो पाती जिसके कारण आर्टरी रक्चर हो सकती है क्योंकि आर्टरी की हार्डनिंग हो गई है। लेकिन यहां पर एथेरोस्क्लेरोसिस में
प्लाग बन जाता है, यानी डिपॉजिट हो जाता है क्या, कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से ये रास्ता क्या हो गया, नैरो हो गया, पैसेज नैरो हो गया. सो नैरोइंग ऑफ आर्टरी इसका मेन सिम्टम होता है. आर्टरी ल्यूमन मे गेट ब्लॉक्ड रिजल्टिंग इन नो ब्लड सप्लाई. अब आर्टरी का अगर ल्यूमन ही ब्लॉक हो जाएगा फाइनली, अगर यहाँ पर सपोज करो और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाएगा पूरा, तो ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी. तो आर्टरी ल्यूमन मे गेट ब्लॉक्ड रिजल्टिंग इन नो ब्लड सप्लाई. तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस हुआ, एथेरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरी स्क्लेरोसिस के बीच में. अब नेक्स्ट बेटा हमारे पास कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक. ये हार्ट ब्लॉक क्या होता है, व्हेन एवी नोड गेट्स डैमेज्ड सो कॉन्ट्रैक्शन डू नॉट रीच टू वेंट्रिकल, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज हार्ट ब्लॉक. हमारे पास दो होते हैं ना, एक होता है एस ए नोड और बेटा दूसरा हमारे पास होता है ए वी नोड. ऐसे नोड से जो कॉन्ट्रेक्शन के सिग्नल है वो एवी नोड के पास आते हैं. अब अगर एवी नोड ही रप्चर हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है, तो ये आगे वेंट्रिकल्स के पास सप्लाई नहीं कर पाएगा और वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रेक्शन नहीं होंगे. इस कंडीशन को हार्ट ब्लॉक बोला जाता है. नेक्स्ट डिसऑर्डर बेटा हमारे पास है वेरिकोज वेन. ये क्या होगा, देखो, ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग और ड्यू टू डिफेक्ट इन दी वेल्व्स ऑफ वेन ऑफ लेग. अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टाइम तक खड़ा रहता है या फिर उसके लेग की वेन्स के अंदर जो वेल्व है उनके अंदर डिफेक्ट आ जाता है तो क्या होगा, दीज वेन्स मे बिकम डायलेटेड. तो उसके पैर की लेग की ये वेन जो थोड़ी सी फूल जाएंगी, डायलेट हो जाएंगी, ट्वाट्रस इनरेगुलर हो जाएंगी, ये वेन्स इनरेगुलर हो जाएंगी एंड थिकन मोटी हो जाएंगी साइज के अंदर. सच वेन्स बिकम क्लियरली विजिबल, ऐसी वेन्स बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाती है, प्रोमिनेंट अलग से ही दिखती है. इस कंडीशन को ही बोला जाता है क्या, वेरिकोज वेन. मोस्टली मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इज दी सेफेनस वेन, हमारे लेग के अंदर प्रेजेंट होती है सेफेनस वेन. ज्यादातर वेरिकोज वेन की कंडीशन इसी वेन के अंदर होती है, मींस ये वेन ही डायलेट, ट्वाट्रस और थिक हो जाती है. ट्रीटमेंट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ वेन. ट्रीटमेंट क्या होता है वेरिकोज वेन का, जो ये वेन है सेफेनस वेन या जिसके अंदर भी वेरिकोज हुआ है उसको हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, इससे बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता. That's it, बेटा. यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. बेटा अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.